स्टूडेंट्स, सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसको आप कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और आप ये देखेंगे कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना आता है, है ना? तो फर्स्टली मैं ये मान लेता हूं, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और उससे जो फ्लो होने वाला करंट A मान लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास में वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इस तरह से, जिसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैं मान के चल रहा हूं A है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी जो लेंथ है ये वाले, ये क्या है, स्मॉल L है, ये मान के चल रहा हूं। और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट को मैं मान के चल रहा हूं I। और इसको कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो हम ये देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस पर कितना फोर्स लगेगा। सो ये देखिए, आप ये जो लाइंस बना रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इन लाइंस के बीच का जो गैप है वो आपको क्या रखना है, सेम रखना है। तो ये बात हम राइट कर लेते हैं, क्या, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज प्लेस्ड एट एंगल कितना थीटा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। ये लिख लेते हैं। तो फर्स्टली हम ये लिखेंगे, कंसीडर, क्या कंसीडर किया आपने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, हैविंग लेंथ एल, जिसकी लेंथ है वो एल है, कॉमा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, ए है, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन इज प्लेस्ड, इस कंडक्टर को कहां रखा गया है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एंगल थीटा, कितने एंगल पे रखा गया है, इसको थीटा एंगल पर रखा गया है एज शोन, जैसा कि आपने ये रिप्रेजेंट किया है। करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, आप जानते हैं जब करंट फ्लो होता है तो चार्जेस किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, और जब भी चार्ज कहां पर मोशन में हो, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये फोर्स लॉरेंज प्रिंसिपल से मैंने आपको बताया था QBB साइन थीटा होता है। तो यहां आपके पास चार्जेस है या नहीं कंडक्टर में, बिल्कुल है, चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, जो मोशन में ही तो है, तभी तो इससे क्या फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है। और जब चार्जेस मोशन में है तो वो चार्जेस किस में है, मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड में। जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन पर फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स कैन बी गिवन एज एफ इज इक्वल टू QBB साइन थीटा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, F इज इक्वल टू QBB साइन थीटा। यहां देखिए आपके पास Q की वैल्यू क्या आएगी, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये चार्ज की कहानी को समझने के लिए आप ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड E होता है। क्या कंडक्टर में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है,
क्या कंडक्टर का वॉल्यूम यूनिट है? नहीं। कितना वॉल्यूम है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं कि आप ये कह रहे हो कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन है। और कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होता है? ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? ए एल। और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। और ए एल क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ई होता है, तो इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या हो जाएगा? ई एन ए एल। तो कहने का मतलब आप चार्ज की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आप रख सकते हैं ई एन ए एल। तो जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये जो वैल्यू है आपके पास ये आ जाएगी क्या? ई एन ए एल, और आगे ये वी बी साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आने के बाद में आप देखिए, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपने कुछ पढ़ा था, ध्यान हो क्या था? ई एन ए बी डी, आई इज इक्वल टू ई एन ए बी डी। बी डी होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं। देखो ई एन ए बी डी, ये क्या था? आई था। आई का फॉर्मूला क्या था? एन ई ए बी, है ना? वेलोसिटी, कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस ई एन ए बी को आप क्या नाम दे सकते हैं? आई नाम दे सकते हैं, करंट नाम दे सकते हैं। तो उस केस में आपके पास ये आ जाएगा आई, फिर ये एल रह गया, आई एल बी साइन थीटा। सो जो फोर्स है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? उसका मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा। डायरेक्शन की मैं आपसे बात करूंगा कि फोर्स की डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकेंगे उसकी। फर्स्टली हम जो बात कर रहे हैं वो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? आई एल बी साइन थीटा, ये इस पर फोर्स लगेगा। यानी आपने ये कह दिया यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? करंट ज्यादा है तो भी ज्यादा फोर्स, लेंथ ज्यादा है तो भी फोर्स मोर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे यहां लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है। यदि इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, जहां पे थीटा एल और बी के बीच का एंगल है। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? ये यहां पे आप इसको कह सकते हैं इन कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो ये है वेक्टर फॉर्म में, है ना? यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एल बी और एफ, जिसके डायरेक्शन पता करने के लिए मैं रूल्स बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा इस साइड का। अब देखिए, आपने ये कह दिया कि लगने वाला जो फोर्स है, यानी पहली बात ये तो तय हो गई, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो क्या एक्सपीरियंस कर सकेगा? फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला होगा आई एल बी साइन थीटा। अब हम केसेस की बात कर लेते हैं, स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस में फर्स्ट केस क्या होगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी यू बना हुआ है इस तरह से, और करंट कैरिंग कंडक्टर भी यू रखा गया है, तो आप कहेंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और उस टाइम लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो होती है। तो पहला केस हम ये कह सकते हैं, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर
इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ हो, तब आप ये कहेंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी और लगने वाला जो फोर्स है वो होगा आई एल बी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है। सो सेकंड केस लिखिए आप कि कौन से केस में वो फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें क्या लिखना है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 2 क्या, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे वो कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है, कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया हो, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 और फोर्स होगा आई एल बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये फोर्स आ जाएगा आई एल बी और ये फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इस केस में इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो आई एल बी होगा और इस केस में मैक्सिमम होगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से केस में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है उस टाइम उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। और ये पूछ लिया जाए कि कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए आई एल बी। आई का मतलब समझ गए होंगे, उससे फ्लो होने वाला करंट, एल उसकी लेंथ और बी उसका मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट डाउन नेक्स्ट, फिर इसकी डायरेक्शन पे बात करते हैं कि उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल पाए। करंट कंडक्टर पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है हमें, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन से रूल अप्लाई करेंगे वो देखते हैं कि डायरेक्शन को किस तरह से पता कर सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन पता करने के लिए दो रूल बता रहा हूं मैं, दोनों को ध्यान रखना और अप्लाई करना आना चाहिए आपको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के टू रूल्स मैं यहां बता रहा हूं। नंबर वन, पहला जो रूल है उसको है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरे रूल की बात करेंगे हम राइट हैंड पाम रूल। तो फर्स्टली हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा गया है, आप लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करिए कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, तो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझ गए। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करिए कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। सेंट्रल फिंगर सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे,
इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। सो थंब है और वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो लिख लेते हैं इसको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा गया है, इफ द थंब कॉमा इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बिकॉज किसकी बात चल रही है, लेफ्ट हैंड की, ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड in such a way that all are mutually perpendicular। सभी क्या हो, mutually perpendicular हो। If central finger represent the direction of current है ना, और इंडेक्स फिंगर represent the direction of magnetic field then क्या, thumb will represent the direction of magnetic force। समझ गए होंगे आप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड के सेंट्रल फिंगर यदि करंट की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब है वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। यही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने का। ये लिख लिया, अब ये लिख लिया तो आप चलिए राइट हैंड पाम रूल फॉर फोर्स क्या है। सेकेंड, हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन से रूल की बात कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स। बताता हूं कि राइट हैंड पाम रूल क्या है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से पता की जाती है। तो सेकंड रूल है राइट हैंड पाम रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स के लिए है, ये है ना, और भी आएंगे। ये किसके लिए है, राइट हैंड पाम रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप इस तरह से रखिए राइट हैंड को कि ये जो फिंगर्स हैं ये किसके डायरेक्शन में रहें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहें, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताए, करंट की डायरेक्शन को बताए। तो ये जो है ये कौन, पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, पाम का ये देखो इधर है डायरेक्शन, इधर है ना, ये डायरेक्शन को बताएगी फोर्स। यदि फिर से देखिए आप क्या कहें, थंब इधर है, फिंगर्स इधर हैं और फोर्स इधर है, ये तीनों परपेंडिकुलर ही तो हुए। थंब किसकी डायरेक्शन को बताए, करंट की, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन को बताए, मैग्नेटिक फील्ड की, तो पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। लेकिन ये कौन से हैंड के लिए है, राइट हैंड के लिए है। तो राइट हैंड पाम रूल यही कहता है, इफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स करंट की या मैग्नेटिक फील्ड की, ये ध्यान रखिए, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
है ना, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन palm will represent the direction of force. ये अप्लाई करेंगे अपन आगे जो प्रॉब्लम में, तब पता लगेगा. रियल में तो ऐसे ही ध्यान रखना आपको, ये किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पाम किसके डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में. सो राइट रूल को राइट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं. लिख लिया तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िए. क्या मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. टॉपिक का नाम अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है. मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कह दो या कंडक्टर्स कह दो. वायर्स और कंडक्टर्स, बात है कि वायर्स भी क्या होते हैं, कंडक्टर्स ही होते हैं. दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे आप, और उन दोनों ही से क्या फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराना है. तो देखेंगे दोनों एक दूसरे पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और कितना करेंगे, वो सब हमें देखना है. तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये. डॉट डॉट का मतलब ये है इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अच्छा, यदि इससे आप आई करंट फ्लो हो रहा हो यदि, तो इससे डी डिस्टेंस पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ये बात आप सीख चुके हैं कि इसके डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का बनना तय है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता था, इस चैप्टर का जो फर्स्ट डेरिवेशन उसमें पढ़ा था, बायो सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन में, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ध्यान हो दोनों एंगल 90 बन गए थे वो. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ये मैं कहूं ये वायर था, ए था जैसे, या मान लीजिए पी था, तो पी ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है ना. पी वायर ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और कितना बनाया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. यदि आप कहें कि नहीं करंट इससे आई नहीं है, इससे करंट कितना आई वन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आई की जगह आई वन हो जाएगा. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये आपको पता करना है, तो सीधा सा रूल है आप इससे पता करिए. मैं यहां रफली लिख देता हूं कि आप भूल गए होंगे क्या, जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने जब रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, और इनको मैं लिखवाऊंगा भी, मैंने कहा था यदि आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए पता कर, ये रूल मैंने अभी जो लिखवाए वो फोर्स के लिए बताए, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने वाले रूल पे जाते हैं, राइट हैंड पाम रूल, तो उसमें थंब को किसके डायरेक्शन में रखो आप, करंट की डायरेक्शन में. ये रूल नहीं अभी इसी लेक्चर में बताए, वो नहीं पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी वो, ये रूल तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए, वो बताया था थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, हालांकि यहां भी थंब करंट की डायरेक्शन में था. फिंगर्स को किधर रखिए, पॉइंट की तरफ रखिए, फिंगर्स को रखिए पॉइंट की तरफ, उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है. तो पाम है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी. तो इस वायर ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं पता करना चाहता हूं. डायरेक्शन पता करने के लिए मैं थंब को किसके डायरेक्शन में रखूं,
करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैं इस पॉइंट की तरफ रखूं, पाम किधर बता रही है, अंदर की ओर, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्रॉस लगाते हैं और बाहर की ओर के लिए हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बना, इनवर्ड वाला बना। और गलती से यदि यहां आपने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, जैसे यहां वैसा ही कंडक्टर है, ये भी इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट लेंथ है, तो और इससे फ्लो होने वाला करंट हमने क्या मान लिया, आई टू मान लिया, इससे फ्लो होने वाला करंट मान लिया आई टू, है ना। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स कैन बी गिवन बाय आईएलबी साइन थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यू है, अंदर की ओर है ना, और लेंथ इसकी यू है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। तो आप ये कह सकते हैं इस वाले ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले आप यही तो बात कर रहे थे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। और यही मैग्नेटिक फील्ड तो इसने बना दिया यहां, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कहां रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स है तो वो हम कह सकते हैं कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा। तो आप ये कह सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर को मैं नाम दे रहा हूं क्यू, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर क्यू, क्यू पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसको मैं नाम दे रहा हूं एफ क्यू, और वो क्या होगा, आई वन, है ना, एल I1 कौन सा, I1 क्यों आएगा, I2 करंट है इसका, खुद का करंट काम आएगा ना, N2 इसकी लेंथ मान लो L2 है, या DL2 है यदि स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स की बात करो तो, या L2 की बात करो तो L2, है ना, ILB, B कौन सा आएगा, ये वाला BP जो बना है वो, है ना, N2 साइन थीटा की जगह 90, तो ये वैल्यू आ जाएगी I2, L2 और BP, ये देखो म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई टू पाई डी और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया म्यू वन आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी इंटू एल टू, कितनी लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, एल टू लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की यदि आप कैलकुलेशन करना चाहें, ये इधर है ना, यदि आप फोर्स पर यूनिट लेंथ की कैलकुलेशन करना चाहें, एल टू लेंथ पे है, यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना हो गया, यानी यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर पे है, 1 मीटर पे फोर्स होगा, लेंथ की जगह क्या रख दो 1, तो हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है एफ क्यू डैश नाम दे देता हूं, वो क्या होगा, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी, ये टोटल फोर्स था एल टू लेंथ पर, और ये यूनिट लेंथ पे, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और यूनिट लेंथ पे है तो न्यूटन पर मीटर, ये तो क्या था न्यूटन में था, टोटल फोर्स था, और ये कितने लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, यानी इसकी यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगेगा। अब हम कहते हैं क्या इस पर फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल इस पे भी लगेगा। फर्स्टली अपना थोड़ा इसको लिख लेते हैं, आपने यहां मेरे पास स्पेस कम है तो हम क्या लिख लें, आप यहां पे ये लिखेंगे कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग करंट आई वन एंड आई टू रेस्पेक्टिवली, है ना, टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग करंट I1, I2 respectively, let distance between them is small d, are placed in vacuum, है ना, ये रखे गए हैं इस तरह से। फिर आपने ये बना दिया, ये बनाने के बाद में देखो आप ये यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, कौन,
सेकंड वाला कंडक्टर बनाएगा। सेकंड वाला जो कंडक्टर है वो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए देखो इस स्तंभ को किसके डायरेक्शन में रखिए आप, करंट की डायरेक्शन में रखिए। फिंगर्स को किधर रखिए, पॉइंट की ओर रखिए। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, है ना। तो कौन बना रहा है ये, तो थंब को किसके करंट की डायरेक्शन में रखिए, इस करंट की डायरेक्शन में रखिए। फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, है ना फिंगर्स। और पाम किसके डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आपकी ओर यानी बाहर की ओर, और बाहर की ओर के लिए हम लगाते हैं डॉट। ये यानी यहां ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डॉट वाला, है ना। और डॉट वाला हो है तो इसके परपेंडिकुलर ये बाहर की ओर है और ये लेंथ यू है। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है इस लेंथ के साथ में, 90। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो किसने बनाया, इस कंडक्टर ने बनाया, और कितना बनाया होगा, म्यू नॉट। कौन से, इसका करंट आई वन है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, आई वन है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां बनाने में किसका रोल रहा, इस कंडक्टर का। इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी। आई वन नहीं है, आई टू है, इसने बनाया यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी खतरा बन गया, यानी इस पर भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी L1 लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। बात क्लियर है। तो अब हम इसी तरह से ये लिखेंगे, ये आपने लिख लिया, मैं यहां लिख देता हूं, ये जिस तरह से ये आया है ठीक एग्जैक्टली उसी तरह से यहां मैं लिख रहा हूं क्या, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर P, करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर P, P पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसको हम नाम दे दें एफ पी। और वो भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, उससे फ्लो होने वाला करंट, P से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1 वन इंटू उसकी लेंथ L1, है ना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इसने बनाया है Q वाले ने, तो B Q इंटू साइन, एंगल तो 90 रहेगा। अब बी क्यू की वैल्यू, क्यू वाले ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो ये है, वो आ जाएगा आई वन एल वन, और बी क्यू की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई टू डिवाइडेड बाय टू पाई डी इंटू एल, एल वन तो आएगी इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, वन। तो ये हो गया म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी इंटू एल वन। ये फोर्स, यदि आपको पर यूनिट लेंथ से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना होता तो एल वन की जगह क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो, एफ पी डैश निकालना हो, तो L1 की जगह यूनिट हो जाएगा और ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। यहां एक कंक्लूजन निकल रहा है जो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही वायर की पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन हम पता करेंगे अब क्या होगी, लेकिन दोनों की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इक्वल है। इसके भी पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना था और इसकी भी पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स इतना है। अब हमें पता करना है डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन को पता करने के लिए आप ये रूल जो अभी मैंने बताया है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए उसको काम में लेंगे। जैसे यहां ये फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, फिंगर्स को रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं, फिंगर्स को रखिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है और क्रॉस वाला किधर होता है, इनवर्ड। और थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, और पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इसका फोर्स इधर लगेगा।
देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में, और पाम बताएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा। अब यहां इसमें देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला यानी आउटवर्ड वाला है, थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, सॉरी थंब नहीं फिंगर्स को, और थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, पाम बताएगी किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को, तो इस पे भी लगने वाला फोर्स क्या है, ये है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। यदि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों रिपेल नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां जो हम नोट पॉइंट लिखने वाले हैं, फर्स्टली इसको नोट करिए, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। फिर मैं जो नोट लिखने वाला हूं यहाँ पे कि दोनों की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। यहां पे जो हम नोट लिखने वाले हैं वो ये है कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सेम, है ना। पहला तो है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज द सेम, और वो फोर्स कितना है, मी नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी न्यूटन पर मीटर, यही है। दूसरा जो कंक्लूजन यहां से निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है यदि दोनों में करंट के डायरेक्शन सेम है। अब आप यही कहेंगे सर एक में अपोजिट है तो फोर्स कैसा होगा, एक में अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से बनेगा। भाई एक में ऊपर की ओर कर दिया, आपने कहा ऊपर की ओर किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर था फोर्स ऐसे, इसमें नीचे की ओर किया तो फोर्स ऐसे है, ऐसे नहीं। यदि करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे, यदि आप दोनों में करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्शन चेंज करके उसके बाद में ही आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब जैसे यहां पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, और एक में ऊपर की ओर हो और एक में नीचे की ओर हो तो ये भी बदल जाएगा ना, और ये बदल जाएगा, और दोनों के करंट फोर्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, इफ द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द सेम इन बोथ वायर्स, दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम, देन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम विल बी, ये ध्यान रखिए, या विल बी अट्रैक्टिव, सेम होने पर, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट में मत जाइए आप कहें सेम होने पे तो रिपेल करते, नहीं, यहां सेम होने पर वो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम होने पर विल बी अट्रैक्टिव, है ना, सेम होने पर वो अट्रैक्ट कर रहे, जबकि चार्ज वाले में रिपेल करते थे ना। इफ द डायरेक्शन, या ऊपर लिख देता हूं अगला जो पॉइंट है, इफ द डायरेक्शन इज द, इफ द डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, है ना, अपोजिट है, देन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, देन विल बी रिपल्सिव, है ना, ये ध्यान रखिए।
उस टाइम इनके बीच में लगने वाले फोर्स की समझ की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स दोनों वायर्स के सेम होता है। यदि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी दोनों के बीच लगने वाली फोर्स की नेचर क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ है नो डाउन एमपीआर नोट्स को ये नोट कर डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला ये लिखूंगा मैं अभी म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू बाई बी। ये इस फॉर्मूला से वन एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो बनाएंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर है ना, वन एम्पियर क्या है ये देखना है आपको। यदि मैं आपसे कहूं कि दो वायर हैं और उन दोनों से फ्लो होने वाला करंट इक्वल है ना, दोनों वायर से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इक्वल आई वन आई टू इक्वल है, यानी आई है डायरेक्शन जो भी है, और उनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है वो वैक्यूम में दोनों को एक दूसरे से कितने मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 मीटर डिस्टेंस पे वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखा गया है, और उन दोनों की पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का हो, तो आप आई वन और आई टू की वैल्यू निकालिए, ये कह दिया जाए आपको। कैसे करेंगे इसको, कहने का मतलब ये है कि आई वन और आई टू है उसकी वैल्यू आई है और वो क्या होगी, देखो यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स अभी आपके पास आया था म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई डी, ये वैल्यू आई थी, या यहां से आप लिख सकते हो एफ डैश जो है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स वो है 2 × 10⁻⁷, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 π × 10⁻⁷, आई वन आई टू इक्वल मान रहे हो आप, डिवाइडेड बाई 2 π d की वैल्यू 1 मीटर है, ये 2 हुआ, ये 2 कैंसिल, 10⁻⁷ से ये I स्क्वायर की वैल्यू 1 I की वैल्यू प्लस माइनस 1 एम्पियर, ये I का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1 एम्पियर। तो यहां से कुछ ऐसा लग रहा हमें कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों को वैक्यूम में यदि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए और दोनों से फ्लो होने वाला करंट सेम है, दोनों एक दूसरे की यूनिट लेंथ पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर एक से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, वो 1 एम्पियर होगी। यही स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन है। क्या कहा, यू हैव टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच इज द सेम है ना, आर प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम। If the force between them is 2 × 10⁻⁷ newton per meter, then the value of current flowing through each will be 1 ampere. उनसे flow होने वाले की current की value क्या होगी? 1 ampere. तो ये भी लिखिए, ये भी note करिए, और theory में भी अपन note कर लेते हैं कि 1 ampere की definition क्या होगी? ये note कर लिया, ये note कर लिया तो देखिए अब, है ना? इसकी जो definition है, वो theoretical way में हम किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिए। देखिए यहां पे 1 एम्पियर इज देयर, 1 एम्पियर इज देयर वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब जानते हो, डीसी करंट या कांस्टेंट करंट जो क्या नहीं कर रहा हो, वेरी नहीं कर रहा हो, है ना, करंट वेन ऑन फ्लोइंग यानी फ्लो हो करके In each of two parallel long conductors of negligible cross sectional area। इसका मतलब क्या हुआ, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ
कि वो वायर है एक तरह से, लेंथ तो काफी है और एरिया लेंथ के कंपैरिजन में नेगलिजिबल है, ऑफ नेगलिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड इन वैक्यूम या फिर कह सकते हो फ्री स्पेस में वैक्यूम है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ है ना, यानी वो करंट है 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हेन ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेगलिजिबल, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग लिख सकते हो, यहां क्या लिख सकते हो यहां इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, लॉन्ग से पहले यानी बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना, लॉन्ग से पहले क्या लिख सकते हो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ नेगलिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर produces a force of 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, तो उस करंट को यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा लिख सकते हो, इसको ये याद नहीं रहता तो ऐसे लिख सकते हो, ये लिख लिया ये याद नहीं रहता तो इसका और वाली भी लिख लीजिए, ये लिखिए इसका है ना, अब देखिए यदि ये याद नहीं रहता तो ये रह सकते हैं, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं क्या, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ना, दोनों से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम है ना, वैक्यूम में 1 मीटर दूरी पे रख दिया जाए, इफ द फोर्स between them is if the magnitude of force between them is 2×10⁻¹ newton per meter, then the magnitude of current flowing through each will be 1 एम्पियर, हर एक से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 एम्पियर होगा, यही क्या हो जाएगी 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन स्टैंडर्ड एम्पियर या डिफाइन 1 एम्पियर, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, सो नोट कर लीजिए ये भी करना चाहें तो